बाईस कुछ भी रखे हैं तो आके स्थान पर अपना अच्छा अपना हैं बोलते हैं अपना मांगते हैं हाँ। और बाबा उनको पूरा कर देते हैं अच्छा। तो पांच गो या दो दस गो या दो हजार मिला के दही चूड़ा खिला देते हैं पूरा है। जैसे भारी पेड़ देकर पहले से गुल्लर का पेड़ था अच्छा। तो टूट गया गिर गया उसके फिर आदमी छोटे से लगा दिया अच्छा। तो फिर लगा दिया तो इस पे कोई किसी का लड़की गिर गया वो मर भी गया तो तब से इनको पूजना आदमी शुरू कर दिया। भैंस मतलब की ना रुका धोख है जाकर हाथ जोड़ी फिर गुजर गया बाबा हमारे भैंस रुक जाये बियाई तो हम पांच गो अहिर ले आके खियाए कहा जा रहा की जो गाभिन ना होली तो हो डाली नमस्कार आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ मैं आप लोगों को बता दूं इस समय मैं बिहार में हूँ बिहार राज्य में हूँ और ठीक आप लोग मेरे पीछे और मेरे ऊपर जो छाया आ रही है ये वो रहस्यमय पेड़ है जो गुलर का पेड़ है। जी हाँ आप लोगों ने सुना होगा गुलर का पेड़। जी हाँ ये वही रहस्यमयी गुलर का पेड़ है। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर मान्यता है लोग मानते हैं इस बात को कि जैसे अगर कोई घर के अंदर में कोई जानवर पाल के रखते हैं यानी कि गाय हो गया भैंस हो गया या बैल हो गया या बकरी हो गई या किसी तरीके की उन लोगों को कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर आ करके उसको बोला जाता है यहाँ पर गुलर के पेड़ के आगे वो मनोकामना अपनी पूरी करने के लिए आते हैं कि उनको बोला जाता है कि अगर मेरे बैल की या मेरे पशु की जो है वो किसी तरीके से उसकी तबीयत ठीक जो अगर ख़राब हो जाए तो तबीयत ठीक हो जाए और किसी तरीके का अगर कोई रोग है वो ठीक हो जाए तो हम यहाँ पर आकर पाँच यादों को यहाँ पर आकर के भोजन कराएंगे। जी हाँ यहीं पर बैठ करके उन लोगों को भोजन भी कराया जाता है। अभी हमारे साथ में कुछ गांव के लोग भी हैं जिनसे हम लोग जानने की भी कोशिश करेंगे। यहीं पास में ही हैं और आप लोग चारों तरफ देख सकते हैं पूरा खेती खेत है। आप लोग एक बार कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ ज़रा दिखा दें ये चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरा खेत ही खेत है और हम लोग अभी यहाँ पर पहुँचे हैं तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों से भी हम लोग अभी मिल करके उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो मान्यता है वो किस तरीके की। आप लोगों ने देख लिया एक गुलर का पेड़ है और रहस्यमयी यानी कि अभी तक इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया लेकिन जो यहाँ पर आकर के मांगा जाता है जो यहाँ पर आकर के बोला जाता है तो वो उनकी मनोकामना वहाँ पर पूरी हो जाती है। पशुओं के लिए खास करके बोला जाता है। बाकी हम लोग आगे चल करके और भी उन लोगों से पूछेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये जो रहस्यमयी जो पेड़ है गुलर का इसकी कब से मान्यता है और लोग जो है यहाँ पर कब से आ रहे हैं और ये अपने आप में भी एक आश्चर्यचकित करने वाली बात होगी कि एक गुलर का पेड़ है और ये पूरी इसकी जो शाखाएं हैं आप देख सकते हैं सारी नीचे की तरफ में आ रही हैं। कोई ऐसे नहीं है कि ये सीधा है और इसकी चारों तरफ आप देख सकते हैं ये पूरा चबूतरा इसका ये बना दिया गया है। यहाँ पे खड़ाऊ जो है वो यहाँ पे आके रखा गया है यानी कि बताया गया होगा कि हम बोला गया होगा कि बाबा हम आपको खड़ाऊ चढ़ाएंगे। खड़ाऊ है एक बारी कैमरामैन से आके कहूँगा एक बारी यहाँ पे दिखा दें जरा सामने ये गुलर की जड़ है यहीं पर ये देख सकते हैं आप खड़ाऊ रखा हुआ है और जैसे कि पहले के समय में जो है वो संत महात्मा लोग जो थे वो जो खड़ाऊ पहनते थे अपने पैरों में ये वही चीज़ यहाँ पर रखी गई है और ये आप देख सकते हैं गुलर का पेड़ है विशाल पेड़ है रहस्यमयी इसको बताया गया है। बाकी हम लोग अभी गांव वालों से एक बारी जुड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग आप लोगों को आगे लेकर के चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जो है वो चारों तरफ जो है वो खेती है और यहीं से कुछ दूर पे लोग वहाँ पे खड़े हैं हम लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और कि आखिर में मान्यता क्या है। एक बारी कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ जो है वो खेत का दिखा देंगे चारों तरफ के बीच के अंदर में सारे चारों तरफ जो खेत है और बीच में ये गुलर का जो रहस्यमय पेड़ है वो है और यहाँ पर आए हैं इस समय और गर्मी ज़्यादा है और हम लोग एक बारी उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं केले का पेड़ वगैरह है केले के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर और यही जो है हम लोग यहीं से निकलते हुए जाएंगे और उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में गांव के ही कई लोग हैं जो यहाँ पर आकर के अपनी खेती पे काम करते हैं। हम लोग इसी जो रहस्यमयी जो गुलर का पेड़ है हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? महंत बैठा नाम है। कौन सा गांव पड़ता है? भट्टा टोला खुदा हुआ पड़ता है। हाँ। अच्छा ये जो गुलर का जो रहस्यमयी जो पेड़ है यहाँ पर लोग आते हैं मान्यता लेने के लिए आखिर में क्या कारण है और
किस तरीके की मान्यता जो है यहाँ पे होती है? मैंने ऐसा मान्यता ये होती है जैसे लोग गाय भैंस कुछ भी रखे हैं तो आके स्थान पर अपना अच्छा अपना बोलते हैं अपना मांगते हैं और बाबा उनको पूरा कर देते हैं। अच्छा। तो 5 गो या 2 10 गो या 2 भी यार मिला के दही चूड़ा उसे खिला देते हैं। अच्छा, जितना लोग मन्नत करते हैं वो कर देते हैं। हाँ, पूरा कर देते हैं वो लोग, पूरा कर देते हैं। अच्छा, मतलब समझ में आता है कि ये लोग रोज ही आते होंगे यहाँ पे लोग? तो रोज नहीं, मैंने शुक्र सोमवार को ज्यादा लोग। शुक्र और सोमवार को ज्यादा लोग? हाँ, शुक्र, हाँ शुक्र सोमवार को। और कोई ऐसी कोई ये कब से आखिर में कब से ऐसा हो रहा है? 10 साल से ऊपर हो गया। 10 साल से ऊपर जो हो गया वो लगातार लोग आ रहे हैं? हाँ, हाँ, लोग। तो ये पता कैसे लगा था लोगों को कि ऐसा हो रहा है? जैसे भारी पेड़ देखकर, पहले से गुल्लर का पेड़ था यहाँ। अच्छा। तो टूट गया, गिर गया, तो उसके फिर आदमी छोटे से लगा दिया। अच्छा। तो फिर लगा दिया तो इस पे कोई किसी का लड़की गिर गया। अच्छा। वो मर भी गया। अच्छा। तो तब से इनको पूजना आदमी शुरू कर दिया। अच्छा। तब से जो भी आदमी कुछ भी होता है अपना दर्शन आदमी करते हैं। अच्छा। तो बाबा उनको सफल देते हैं। तो जो जो लड़की जो आप बता रहे हो जो मर गई थी, वो लड़की गांव की ही बच्चा था किसी का? हाँ, इनके दुकान गुप्ता की लड़की थी। अच्छा, गुप्ता जी की लड़की थी। हाँ, गुप्ता। अच्छा, ये कितने समय पहले की बात होगी? अरे मैंने कम से कम 20-30 साल हो गया होगा उसके बाद में। अच्छा, एक हमारे साथ में एक और भैया जुड़े हुए हैं, हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश। क्या नाम है भैया आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार जी, क्या क्या मान्यता है और कुछ जो जानते हो वो बताइए। मैं यहाँ नहीं रहते हैं, नहीं जानते। अच्छा, आप यहाँ पे नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? पटरौना रहते हैं। मतलब यहाँ के बारे में ये तो सुना होगा कि रहस्यमय जो गुलर का पेड़ है वो आपके ही गांव में जहाँ पे आप आए हैं रहने, ये तो जानते ही होंगे? हाँ, जानते हैं। तो मतलब क्या पता लगा आपको? पता यही लगता है कोई भगवती करता है वो हो जाता है, सफल हो जाता है। जो लोग मनौती करते हैं वो लोग पूरा हो जाता है? पूरा हो जाता है जी। और भी हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कि आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरेटर चल रहा है, पानी जो है वो खेत में पटाया जा रहा है। तो मैं अभी उन लोगों से भी एक बारी जानने की कोशिश करूँगा क्योंकि पहले के बुजुर्ग लोग हैं और वो लोग भी जानते होंगे, ज़रूर कहीं ना कहीं इस बात को जानते होंगे कि आखिर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो हम लोग एक बारी उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ भैया, क्या क्या नाम है चाचा? क्या नाम है आपका? राम तिरिपसा। और जो पेड़वा बाट है गुलर के जो पेड़वा बा, एक बारे में बताएं कि कब से लोग जो बाटे हो जाए पूजा उजा करेला? हाँ, ये तो पूजा जा करना तो जा का करे बा, मान लीजिए वो जा अहिर खिया वाला लोग। अच्छा। जो जो अगर भैंस मतलब कि ना रुकत हो खे वो जाके हाथ जोड़ी, हे गुलर ये बाबा हमार भैंस रुक जाई बियाई तो हम 5 गो अहिर ले आके खियाए। तो मैंने भैंस निश्चित बाजे टिक जाला लो। अच्छा, भैंस वाले जो टिक जाला लो? हाँ। अच्छा, क्योंकि कहा जाला कि जो गाभिन ना होली तो वो हो जाली हो? हाँ, हो जाली। हो जाली। हाँ। अच्छा बाबा, कब से एकरा के जो मानल जाला? अरे आज हमने का होश ना आ रहा है, कहिया सा होला? तब से बाटे? तब से भाई, तब से बाटे। बड़ा पुर हमनी को बाप दादा गोल गेल तब से मीडिया लोग तो बहुत आवत हो ये जा। अरे अबे तो सोमार के दुकान है जो सुख के बुध के इतना लोग जा खिया वाला जो सामा सूद ना रहला, पूरा सरे भर के लोग खा कर निहाल होला दही चूड़ा। अच्छा, दही चूड़ा पूरा सबके उगला करके खावे? ये भी जकर भैंस बियाइल होई उ ले आई, जे चल जाई कह के नखे तारा के ना खिया, सब लोग जा खा, सब के उगा करके खाई। वो अहिर चाही हमें, एक अहिर चाही। हाँ, अहिर मतलब चाही। बताओ जला कि जो गुलरिया जो माने वो कोनो जो जेकरा के पूजा जला वो यादो रहने होंगे का? हाँ, वो यादो गुलरिया बाबा यादो है हमें, यादो हूँ। हाँ। एक खातिर यादो के पूजल जला? हाँ, पूजल जला। अच्छा, एक जने और ही भाई बने हमारे साथ जुड़े बने, का नाम हो राहुल? मोहन कुमार। का जाने ली गुलर बाबा खातिर? ये जाने ली कि हाँ वो स्थान हो जो बहुत दिन से पूजा होला, लोग आवेला, दही चूड़ा खियावला, लोग खाला। तो यादव जी के जो बाटे जब खाना उना खिया दिल जाला कि कोनो दिक्कत उक्कत होके तो वो परेशानी जो होके वो हट जा, दूर हो जाला, दूर हो जाला, पक्का हो जाला। चलिए, आप लोगों ने सुना इस रहस्यमय पेड़ के बारे में, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। आप लोगों को हम लोगों ने जो आकर के जो ग्राउंड रिकॉर्ड रिपोर्टिंग जो यहाँ से दी है उसके बारे में आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग ऐसी ऐसी खबरें आप तक अपनी वीडियो के माध्यम से जल्दी पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ताकि आप लोगों को
जो जानकारियां हैं वो मिल सके कि आखिर में गांव और देहात साइड के अंदर में भी ऐसी चीज़ें हैं जो मान्यता जिसकी रखी जाती है और यहां पर आकर के पूरी होती है। तो कहीं ना कहीं मंदिर आस्था का विश्वास का प्रतीक होता है। उसी तरीके से ये रहस्यमय जो पेड़ है ये भी कहीं ना कहीं जो है वो एक आस्था का प्रतीक है। वहाँ पर विश्वास है लोगों को, गाँव वालों को पूरा विश्वास है। यहाँ पर आने के बाद में कहीं ना कहीं जो है लोगों का विश्वास जो है वो पूरा होता है। जो आस्था लेकर के आते हैं उन लोगों की आस्थाएं पूरी होती हैं। इसी के साथ में मैं आपका दोस्त कैमरामैन लाल बहादुर शास्त्री के साथ व्यास कुशवाहा, जय हिंद जय भारत।